हेलो फ्रेंड्स, मैं रीटा की क्रिएशंस पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए ये खूबसूरत सा फ्लावर लेकर आई हूँ। ये फ्लावर आप अपने बच्चों के स्वेटर, कैप, आप उनके हेयर बैंड पे किसी पर भी इसको बनाकर लगा सकते हैं और ये बनाना बहुत ही आसान है। इससे आपके प्लेन स्वेटर पे एक नई सी लुक आ जाएगी। अब मैं आपको ये बनाना बताऊंगी। हमने ये थ्रेड से एक छोटी सी लूप बना लेनी है, ये देखिए। और अब हम ऐसे क्रोशिया की हुक में ऐसे लूप को लेकर अब हम 50 चेन्स बनाएंगे। ये हमारी 50 चेन्स बन गए। अगर आप बड़ा फ्लावर बनाना चाहते हैं तो आप इसको मल्टीपल ऑफ 5 के हिसाब से आप चेन्स ले लें। अब हम 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 6th चेन में अब हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये 6th चेन में हमने ऐसे लेकर डबल क्रोशिया बनाना है। अब हमने 1, 2, 3, ये 4th वाली चेन में अब हमने डबल क्रोशिया बनाना है, ये देखिए। ऐसे हो गया। अब हम 3 चेन बनाएंगे, 1, 2, 3। फिर हमने इसी सेम वाले जहाँ पर हमने अभी ये बनाया था इसी सेम में हम डबल क्रोशिया करेंगे, ये देखिए ऐसे। ऐसे किया। अब हम 3 चेन छोड़ेंगे नीचे से, 1, 2, 3। ये चौथे वाले में अब हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब फिर से हमने यहाँ पर 3 चेन बनाने हैं, 1, 2, 3। और सेम में हमने यहाँ पर जहाँ से हमने ये पहले बुनाई किया था यहाँ पर हमने फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम 3 चेन छोड़ेंगे नीचे से, 1, 2, 3। और 4th वाले में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम ऊपर 3 चेन बनाएंगे, 1, 2, 3। और अब हम यहाँ पर फिर से सेम चेन में हमने यहाँ पर ऐसे डबल क्रोशिया बनाना है। ऐसे ही आपने इसको रिपीट करते जाना है। देखिए हम एंड पॉइंट पे आ गए, 1, 2, 3। ये 4th वाले में हमने डबल क्रोशिया बनाना है, ये देखिए ऐसे। अब यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे और सेम में हमने ऐसे डबल क्रोशिया बना देना है। अब ये देखिए हमारा फ्लावर का बेस बन गया। अब हम यहाँ से 3 चेन बनाएंगे, 1, 2 और 3। और अब इसको हम ऐसे टर्न कर लेंगे। अब हम ये जो ये वाले बीच के गैप हैं ये वाले, इसमें हर में हम 8 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे।
ये एक हमारा, इसको जो चेन बनाई थी इसको हम एक काउंट करेंगे, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात और आठ। ये हमने आठ डबल क्रोशिया किए। अब हम यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर अब हम डबल क्रोशिया नहीं करना, हमने यहाँ पर ऐसे इसको एक बार में ही ऐसे बंद कर देना है। ये सिंगल क्रोशिया हमने कर दिया। अब फिर से हमने यहाँ पर आठ पर डबल क्रोशिया बनाना है। ये आठ बार हमने डबल क्रोशिया बनाया। और फिर से हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए, फिर से हमने डबल क्रोशिया आठ बार बनाने हैं। और ये आठ। और फिर हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाना है। ऐसे हमने ये सारा कंप्लीट करना है। अब हम ये एंड पॉइंट पे आ गए। यहाँ पर हमने आठ बार डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए, हमारा फ्लावर कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से हमने इसको थ्रेड को काट देंगे और इसको बंद कर देंगे। आपने यहाँ से ये देखिए, हमने इसको बंद कर दिया। अब हम कंट्रास्ट कलर से इसकी ये एजेस को हाईलाइट करेंगे। मैं अब आपको ये बनाकर बताती हूँ। अब हमने जहाँ से ये थ्रेड काटा था इस साइड से हमने इसको नहीं बनाना, हमने इसको ये फ्रंट साइड से जहाँ से हमने चेन की शुरुआत की थी
उस साइड से बनाना है और हमने ये सारे बैक लूप में से बनाने हैं। ये सारे हमने सिंगल क्रोशिया और ये हमने कंट्रास्ट कलर में, आप कोई भी कलर ले लें उससे इसको हमने हाईलाइट करना है। ये देखिए हमने ऐसे लिया, अब इसको ऐसे चेन लेकर हमने अब इसको सिक्योर कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। और अब हम हर चेन में एक बैक लूप में हमने ऐसे लेकर इसको सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है। इसको आप थोड़ा सा लूज ही बनाएं क्योंकि ये उससे चेन बहुत साफ आएगी। और हर हमने हर चेन में इसको बनाना है और हमने इसको बनाना बैक लूप में से है। ये देखिए हमने इसकी सारी एजेस कंप्लीट कर ली हैं। अब मैं आपको फ्लावर सिलना बताऊंगी। जो ये एक्स्ट्रा थ्रेड हैं इनको हम सुई की सहायता से सारे अंदर कर देंगे। अब मैं आपको फ्लावर को सिलना बताऊंगी। हमने इसको ऐसे टर्न कर लेना है और इसको ऐसे करके हमने ध्यान से देखिए इसको थोड़ा लूज ही, ये देखिए इसको ऐसे रोल करते जाना है। हमने आप ध्यान से देखिए ऐसे करके इसको ऐसे हमने रोल कर लिया, ये देखिए। और अब हम इसको सिलेंगे। तो अब हम इसको ऐसे हमने ऐसे पकड़ लेना है और ये मैंने सुई में रेड कलर का थ्रेड डाल लिया, उसको ऐसे देखिए। इसको सिक्योर कर लेंगे यहाँ पर हमने अच्छी तरह से। अब देखिए ध्यान से हमने इसको ऐसे ये यहाँ से ऐसे फिर इसको ऐसे लेकर सिलाई करना है। फिर इसके यहाँ पास में ही हमने ये देखिए इसको यहाँ से ऐसे लेना है। अब हमने इसको फिर से हमने सारी लेयर्स को एक एक बार ऐसे उठाना है और ये सेंटर वाली लेयर को लेके हमने अब इसको इस साइड से ऐसे सिलाई करना है। अब हम इसको इस साइड ले जाएंगे थ्रेड को, ये देखिए। अब फिर से हमने ये सारी लेयर्स को ऐसे लिया।
और ये हमने हमारा फ्लावर कंप्लीट हो गया। अब ये जो एक्स्ट्रा थ्रेड है इसको हमने इसको ऐसे अंदर की तरफ करके इस थ्रेड को भी हम अंदर की तरफ सिलाई कर देंगे। एक्स्ट्रा थ्रेड को भी हमने अंदर की तरफ ऐसे सिलाई कर देंगे इसको। ये देखिए हमारा ये खूबसूरत सा फ्लावर बन गया। आप भी इसको बनाकर देखें और किसी भी बच्चे के स्वेटर, कैप, किसी पर भी लगाएं। ऐसे इस खूबसूरत फ्लावर को आप बनाएं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।